लिया गया चला गया एक ला 20 रुपये ले छोड़ो। राम राम सा स्वागत है आज आपने न्यू व्लॉग में। जय जवान जय किसान जय जय राजस्थान। सरसों की फसल में आपा 20 अक्टूबर ने अभियान शुरू करियो और 25-26 अक्टूबर तक पूरा अभियान कर दियो। लगभग 17-18 बीघा में ये खेत में अंदर जिकी आपनी है बाप थोड़ी पछ तई ना बेटा भी जगह होनी नहीं है तो एक सी है ओ जी तो और भी ऊंची आसी हो। हां ऊंची तो आसी बाद में तो लुकमी चिन खेल छ बांध थे दिखो कौन दिखो कौन नहीं कमर तक आई है यहां। हां लगभग कमर तक आई मूंगफली तो पेड़ टिकना तो मूंगफली नाश को नहीं है सरसों का पत्ता तोड़ लिया साग बनाया मक्के की रोटी साग बहुत ही टेस्टी सरसों का साग मड़ा है पत्तेदार में नहीं हम यहाँ अपना खून की कमी हुआ नहीं तो भी पत्तेदार सब्जियां खानी तो पूरी हो जाए हरे पत्ता की सब्जी पालक हुई बथु हो या सरसों की सब्जी अपन ही रुत में सर्दी के मौसम में जरूर खानी चाहिए और अपना बच्चा ने भी खानी चाहिए आंखें के लिए और भी यहाँ तो पूरे शरीर के लिए सब के लिए अच्छी रहे बहुत ही बढ़िया है सागे बथुआ भी ले चूं सरसों है और पालक तो अपना बाड़ी में है पालक की सब्जी तो पके दिन हम बना रहे थे लोग भी देखने वाला थे कमेंट कर बताया इस सीजन में थे सरसों का साग बना लियो या बना सियो बना लियो लापा कौन बने अबकी बार मैं लेट में चलूं आज थोड़ा मक्की को आटा भी पीसियो सागे मक्की की रोटी बनाओ भाई चूल्हे पर है ये केनो है के बहुत स्वाद लागे देसी खानो और देसी रहना अपनी दौरा की धरती का न्यारा न्यारा रंग देखो थे पहले उगी जने एकदम ग्रीनी अब एकदम पूरा खेत एकदम देखो पीला फूला भर रहे और थोड़ा दिन बाद में फूल उसी जगह हम सबों पर फड़ियाँ लाग जैसी दाना सरसों है जी बर्जी फड़ियाँ लाग जी एकदम भी बाद में पीला फूल है जहाँ दिखे और नहीं बच्चा वापस हरियाली हरियाली देख सी बड़ो शानदार मौसम है हल्की धूप एकदम शांत शुद्ध वातावरण अब की बार जो ठंड ज्यादा आई को धोर जो अपने एक बार भी को नहीं आई अभी फसल जोर की है तो सरसों अच्छी है धोर ठंड को नहीं आई अभी तक तावड़ा तो पै दिन में तो तकड़ा सुबह शाम में थोड़ी ठंड है ज्यादा ठंड को नहीं हाँ दौर बढ़िया है एक अगर माउ उठा जाए तो और ही बढ़िया पिछले साल तो आई आपा वीडियो बनाया मेरा पिछले साल को भी वीडियो है बहुत ही बढ़िया है मैं सरसों का साग बनाने लगी तो ना दौर की बारी साग की मैं बारह बैठी पिछले साल तो सरसों की फसल काफी पछ थी पछ तरह
कि आगत की फसल में बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। आगत की फसल बहुत ही अच्छी हुआ है। हमारे जी मूंगफली बीजा ना खेत के लेट खाली हुआ बीनी वजह पाछत हो जाए बटा मूंगफली ना हुआ बटा तो सरसों आगत की भी बीजी जाए पहली अक्टूबर को टाइम हुआ तो 10 अक्टूबर टाइम बीजी जाए नहीं अक्टूबर में बीजा हो जाए तो बेस्ट है। बीस अक्टूबर के आसपास जो भी जाने जो बढ़िया है बिक बाद में अजी धीरे धीरे पाछत हम ला जाओ सरसों का साग में अंडे के मामा आस अपने आप जी हम मिक्स में पीस नहीं जो कोनी रोटनी वीडियो बना छोगे दर्श पिछले साल को बनाएड़ो है। अच्छा अच्छा पिछले साल को आपने सरसों और मक्की की रोटी को व्लॉग देखेड़ो है तारो जगह नया और नहीं देखेड़ो है जगह जरूर सर्च कर लिया ममता विजय व्लॉग सरसों का साग और मक्की की रोटी बेवलोकुल जैसी थे लोग जरूर देखा जार बहुत ही ज़्यादा गुणकारी हुआ और थे खेती बाड़ी वाला हो जिका भी थे बताया सरसों फसल मारी क्या लगी थाने और थारे भी सरसों फसल है जी किया है बाबी थे कमेंट कर बताया और अपना 3000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया थार सब 3000 सब्सक्राइबर ने सगला ने घनो घनो धन्यवाद लगा सपोर्ट की बताऊं यार 3000 सब्सक्राइब कंप्लीट हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमें दिल की गहराई हूं लगातार सपोर्ट ये करता रहो राजस्थानी संस्कृति अपनी खेतीबाड़ी अपनो खान पान अपनी मारवाड़ी बोली अपनो देसी पहरान संबंधित आप व्लॉग बना रहे हैं गिरु गाय को दूध निकालने का वीडियो देखना है तो थे कमेंट कर दिया मिल्किंग को वीडियो भी आज 20 तारीख ने एक महीना कंप्लीट हुई थी 22 ने एक महीना के अंदर गाय यहाँ पूरा खान पीन कर लिया तो दूध उतरने लग जाए क्या क्या मिला सो में बथुओ सरसों का पत्ता और पालक पालक मक्की वाटो है नहीं थोड़ा सा भून गए थोड़ा सेक गए भी साग में डाला नहीं सरसों में तो बहुत टेस्टी बने यहाँ एक चम्मच डाल दे मक्की वाटो भून लग सके पूरा 4 बज गया देखो ट्रेन आ गई ट्रेन खाली दिखाई दे रही है क्या एक खेल दे आज तो कम दिखे और क्या बड़े एकदम खेत के सर का ट्रेन बुके थोड़ी बिरा पड़ गया स्टेशन आवाज ना नहीं भारतीय रेल पहले तो ट्रेन में चढ़ना ना आदम जाना ट्रेन में चढ़ जावा इतो यहां सो कुन तो ट्रेन में चढ़ने को आज का व्लॉग थाने किया लाग्यो हे कमेंट कर बताया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिया कल आप मिलशन ए ब्लॉग में